हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आज जो कि मैंने कल जहाँ से ख़त्म किए थे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, आज वहीं से शुरुआत करके आगे को बढ़ेंगे और बिल्कुल वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था। और आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से बताएंगे आप समझ भी नहीं सकते, इतने एक तरीके से ये समझिए जीरो लेवल से आप ये भी नहीं समझ सकते कि इतना भी सिंपल तरीका हो सकता है, इतने सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए क्या है, कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था, कल कहाँ पे सवाल चल रहा था, विभाज्यता पे कुछ हमने सवाल करवाए थे। आज देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यदि संख्या 895 फिर उसके बाद दिया गया स्टार 895 स्टार 238 कामा 6 से विभाज्य है, कितने 6 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी? अब देखिए 6 से विभाज्य स्टार के स्थान पर संख्या देखनी है। हमने 6 के लिए एक नियम तुम्हें बताया है, वो नियम क्या है? 6 के लिए पहली बात तो संख्या 2 से कटनी चाहिए, फिर 3 से भी कटनी चाहिए। 6 से कटने के लिए क्या है, वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो हम देखते हैं ये संख्या पूरी, देखते हैं 2 से कटती है या नहीं कटती है। देखिए संख्या को 2 से काटने के लिए हम अंतिम का अंक देखते हैं, अंतिम का क्या अंत का अंक जो है वो 2 से कटता है या नहीं कटता है। यदि 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो बताइए 8 क्या 2 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है, तो 2 से तो कट गया। अब हमें 3 से चेक करना है, 3 का क्या नियम होता है? 3 का नियम होता है कि अंकों सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। हम देखते हैं 3 से संख्या कटती है कि नहीं कटती। देखिए सबसे पहले तो 3 से कटने के लिए क्या है कि ये जो 9 है ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सी संख्या कटेगी, उसके बाद कटने के लिए 8 16 और 2। देखिए ये वाली आठ कितने हुए, 8 16 और 2 18 8 16 और 2 18। तो ये तीनों मिला के 18 तीन से कटता है कि नहीं कटता है? 6 18 8 16 और 2 18, ये संख्या कट गई। ये 9 भी काट दिया हमने, 9 भी कट गया। अब बचे कितने, 5 बचे 3 बचे। अब 5 और 3 8 हो गए, और 3 से कटने के लिए और कितनी संख्या इसमें हम जोड़े कि 3 से कट जाए, एक संख्या और जोड़ दो, 8 हो 1 9। देखिए यहाँ पे 5 और 3 8 तो यही हो गए, एक अगर यहाँ पे और होता तो 8 1 9 तो संख्या वो 3 से कट जाती। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, स्टार के स्थान पे 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। बताइए समझ में आया? अब देखिए इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल समझिए क्या है, दूसरा सवाल है यदि संख्या 595 फिर उसके बाद दिया गया है 595 स्टार 620 स्टार 620 620 उसके बाद दिया गया 4 कामा कितने से 9 से पूरा विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटी संख्या, इन्होंने बताया ये 9 से पूरा विभाजित होती है, किससे पूरा विभाजित होती है, 9 से पूरा विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पे संख्या बतानी है। अब बताइए 9 से विभाजित होने के लिए हमने क्या नियम बताया है, 9 से विभाजित होने के लिए कि पूरी संख्या जो है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए हमें क्या देखना है, देखिए ये 9 से कट गया, 9 से विभाजित हो जाता है। और हम देखते हैं 5 और 4 ये भी 9 से विभाजित हो जाएंगे, दोनों मिला के हो जाएंगे। अब फिर देखना है, अब इसके बाद 5 6 11 और 2 13 यहाँ पे कितना और कर दें,
13 और 5 18, तभी तो 9 दूनी 18 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए 5, कितना आना चाहिए 5। देखिए ये वाले 9 तो कट गए, ये 5 और 4 ये वाले भी कट गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा 5 बचे, 6 बचे, 2 बचे, 6 और 2 8, 8 5 13, 5 और यहाँ पे होना चाहिए 13, 5 18, तो 9 से कट जाएगी। तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 5। यही सवाल का आंसर है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आज आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था वहीं से हमने 2 सवाल लगवा दिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे सवाल आगे देखिए। सबसे पहले फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है, फैक्ट समझिए सबसे पहले कि कोई संख्या दी गई है 2 अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या है, संख्या 2 अंकों की है, कितने अंकों की है, 2 डिजिट है। अब मान लेते हैं 2 डिजिट की संख्या है 2 अंकों की, तो वो संख्या कई दी होगी, 10x + y। ये कैसे आई, ये कैसे आई, देखिए x हमने मान लिया दाई का अंक, इकाई का अंक पाई, तो 10 से इसमें गुणा किया जाता है, दाई के अंक में 10 से गुणा होता है, इकाई के अंक में 1 से, तो संख्या कितनी हो गई, 10x + y। देखिए 2 अंकों की संख्या कहाँ से, जैसे 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो, 10 से लेकर 99 तक की कोई संख्या हो, यदि हम इनके अंकों को बदल दें, यदि हम इनके अंकों को बदल दें, अब देखिए दहाई के अंक पे इकाई का अंक, इकाई के अंक पे दहाई का अंक कर दें, जैसे यहाँ पे कर दें 10y + यहाँ पे x, यहाँ पे दहाई के अंक पे y कर दिया, इकाई के अंक पे x कर दिया, बताइए कोई दिक्कत, यहाँ पे हमने इतना कर दिया। अब हम इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखिए इसको जोड़ने पर क्या हमें मिलेगा, 10x और 1x कितने हो गए, 11x + 10y 1y कितने हो गए, 11y। अगर हम 11 कामन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + y कितना आ जाएगा, x + y। अंकों को बदलने पर हमें क्या पता चला कि जो संख्या आई है जोड़ के वह 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी, 11 से। अब देखिए इसके लिए अगर फैक्ट लिखना चाहें तो हम क्या एक फैक्ट लिख सकते हैं, देखिए इस फैक्ट की हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी भी दो अंकों की संख्या को देखिए इसमें लिखेंगे, किसी भी दो अंकों की संख्या, किसी भी दो अंकों की संख्या तथा अंकों को परस्पर देखिए किसी भी दो अंकों की संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का योग 11 से विभाजित होगा। हमने क्या बताया है, किसी भी दो अंकों की संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर, कोई भी दो अंकों की संख्या आए तथा अंकों को परस्पर बदलने पर, उसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का योग, जो संख्या प्राप्त हुई है और मूल संख्या पहले से जो है का योग 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। जो हमने बताया था कि कोई भी संख्या लिखी थी 10x + y और इसके अंकों को हमने बदल दिया तो क्या हो गया, 10y + x, इनको हमने जोड़ लिया 11x + 11y हो गया, 11 से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 11x + y। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया ये संख्या 11 से विभाजित है, ठीक है। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई, अब देखिए इसको बिगाड़ देते हैं फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आगे क्या क्या फैक्ट हैं उनको भी सीखते हैं।
आप लोग भी उसका धीरे धीरे समझिए और सीखिए। अब देखिए अति बात आती है भिन्न की, अब गाय की बात आती है भिन्न की, भिन्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न कोई भी, देखिए भिन्न को कैसे लिखते हैं, पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं, पी अपान क्यू के रूप में। पी जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंश। क्या कहते हैं? अंश। और क्यू इसको क्या कहते हैं? हर। क्या कहते हैं? हर। अब देखिए यहाँ पर कोई भी भिन्न है, जैसे यहाँ पे मान लिया 20/4 है, 20/4 है, एक दूसरी हमने लिख ली 15/4, ठीक है, तीसरी लिख ली 10/3, ये भिन्न लिख ली। अब इसको हम कट करके देखते हैं, कट करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, यहाँ 3 बचे, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 30 हो गए, 4 × 7 = 28, फिर 2 बचे 20 हो गए, 4 × 5 = 20, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दशमलव, फिर 1 बचा, फिर 30 हो गए, फिर 30, इसी प्रकार आता रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? पूर्ण। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? पूर्णता। और इसको क्या कहेंगे? आंशिक। क्या कहेंगे? आंशिक। इसको क्या कहेंगे? आवर्ती। क्या कहेंगे? आवर्ती। ये तो पूर्णता कट गई, ये आंशिक है, ये आवर्ती है। सभी लोगों के समझ में आया? अब देखिए इसके बाद भिन्नों के प्रकार पे चलते हैं, क्या होते हैं भिन्नों के प्रकार, उनको भी समझ लीजिए। देखिए भिन्नों के प्रकार जो होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो नंबर एक समभिन्न। कौन सी? समभिन्न। सबसे पहले जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सम भिन्न। देखिए सम भिन्न क्या होता है, कोई भी भिन्न है, भिन्न किस रूप में होती है, पी अपान क्यू के रूप में, या हम कह सकते हैं ए अपान बी के रूप में, ए अपान बी के रूप में, जहां ए जो है लिख देंगे, जहां ए है वो क्या है, छोटा है बी से, ये क्या है, बी से छोटा है, मतलब नीचे हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, समभिन्न। जैसे जैसे हम कह सकते हैं 3/7, और क्या कह सकते हैं, 1/6, और क्या कह सकते हैं, 2/9, ये सब भिन्न कह दिए हैं, समभिन्न है, कह दिए हैं समभिन्न है। समझ आया कि नहीं आया? ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आता है विषम भिन्न। विषम भिन्न, अब देखिए विषम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न इसको भी हम किस रूप में लिखते हैं, ए अपान बी के रूप में, ए अपान बी के रूप में, लेकिन यहां क्या होता है, जहां यहां होता है जो ए होता है वही बड़ा होता है बी से, ए जो होता है बी से बड़ा होता है। कहने का मतलब अंश जो होगा वो बड़ा होगा, हर जो होगा वो छोटा होगा। जैसे हम कह सकते हैं 15/8, 17/3, 16/3, .. ऐसे कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं जो अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए, इस तरीके से हम विषम भिन्न जान सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एक मित्र भिन्न। देखिए इसको बिगाड़ देते हैं, फिर मित्र भिन्न पे चलते हैं। मित्र भिन्न क्या होता है, अब इसके बाद आता है मित्र भिन्न, समझिए मिश्रित भिन्न, जिसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मित्र भिन्न क्या होता है, जिसको इस रूप में लिखा जाता है, ए सही बी बटे सी, ए सही बी बटे सी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए का सी में गुणा किया ए सी,
प्लस बी अपान सी इस रूप में लिख सकते हैं। ये क्या हो गई मिक्स्ड बिन। एक होता है दशमलव बिन, क्या होता है दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न जो होता है इसको हम कह सकते हैं ए बटे दस, क्या कह सकते हैं ए बटे दस, फिर ए बटे सौ, ए बटे हजार, ए बटे दस हजार, डॉट डॉट सॉ। मतलब यहाँ पे क्या है हर जो होना चाहिए वो किस रूप का होना चाहिए, हर जो है ए की दस की पावर यन, दस की पावर यन के रूप का होना चाहिए, जहाँ यन जो है यन का मान कितना होना चाहिए, जहाँ यन का मान एक से बड़ा होना चाहिए या एक के बराबर होना चाहिए, चाहे एक हो या एक से बड़ा होना चाहिए यन का मान। ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है दशमलव भिन्न। अब इसके बाद और देखिए आगे चलते हैं, अब हम आगे चलेंगे और आगे चल के शुरू करेंगे आवृत्ति, क्या करेंगे आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, देखिए एक तो होता है पूर्ण, एक होता है मिश्रित, एक होता है पूर्ण एक होता है मिश्रित, समझिए एक पूर्ण एक मिश्रित, इधर हमने क्या लिख दिया मिश्रित और इधर क्या लिख दिया पूर्ण। ठीक है, इधर पूर्ण इधर मिश्रित। अब देखिए पूर्ण कौन सी होती है, पूर्ण जैसे होता है हम इसको लिख दें जीरो दशमलव पी, इसके ऊपर बार लगा दें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं जीरो दशमलव पी के ऊपर बिंदु लगा सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बार। और मिश्रित क्या होती है, मिश्रित इसको हम ऐसे लिखेंगे जीरो दशमलव पी क्यू, सिर्फ क्यू पे बार, चाहे तो क्यू पे बिंदु भी लगा सकते हैं। और देखिए जीरो दशमलव पी क्यू दोनों पे बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो दशमलव पी क्यू, यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे जीरो दशमलव पी क्यू आर कर लो, इसमें दो पे बार लगा दिया, मतलब इसमें पूरी पूरी लाइन रहेगी, इसमें एक दो पर रहेगा, इसको क्या कहते हैं, ये तो हो गई पूर्ण आवृत्ति है मिश्रित आवृत्ति। अब देखिए ये तो बात सभी लोग समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए इसके बाद सवाल आगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या है सवाल। अब जैसे एक सवाल बताइए, ये है जीरो दशमलव एक तीन दो नौ, यहाँ पे और एक लिख दिया जीरो दशमलव एक तीन दो नौ, यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सी पूर्ण है कौन सी मिश्रित है। तो हम देखते हैं तो ये वाली हमें क्या दिखती है पूर्ण और ये मिश्रित, कैसी है मिश्रित। ठीक है, अब इसमें क्या है एक सवाल देखते हैं, वो भी बेसिक से, बिल्कुल कहे से बेसिक से, जो कक्षा नौ दस में लगाए जाते हैं उस तरीके से। अगर तुमसे कह दिया जाए जीरो दशमलव तीन बार, इसको भिन्न रूप में लिखिए, किस रूप में लिखना है भिन्न रूप में लिखना है, तो इसको भिन्न रूप में देखिए जिस तरीके से हमने नाइन्थ में पढ़ा है उस तरीके से हम कैसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया x के बराबर, क्या मान लिया इसको मान लिया x के बराबर, बताइए कोई दिक्कत। जिस पे बार लगा होता है, बार का मतलब होता है उस संख्या को कितनी बार भी रिपीट करते रहिए, बार का मतलब क्या होता है जितनी बार कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, x बराबर क्या कर सकते हैं जीरो दशमलव तीन 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 इस तरीके से कर सकते हैं, बताइए समझ में आया। तो x बराबर क्या हो गया जीरो दशमलव तीन तीन, इस बार का मतलब ही होता है अनंत बार। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे भिन्न में बनाना है तो हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x,
इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो 3.3333 इस तरीके से अनंत बार चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो 10x से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा 9x। इधर से घटाएंगे तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, दशमलव के नीचे इसको घटा देंगे, चाहे इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो देखिए 10x से 1x जाएगा 9x, इससे इसको घटाएंगे तो 0.333 पीछे वाले सब घट जाएंगे, तो 3 से 0 जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर निकालते हैं तो 3/9 आ जाएगा, 3/9 आ जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 3 × 3, 3 × 3, 9, तो x बराबर कितना आ गया 1/3। यही सवाल का आंसर है। ये तो हो गया बेसिक, क्या हो गया बेसिक, लेकिन हम इसको बेसिक से ना लगा के इसकी ट्रिक लगाएंगे। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, ये सवाल है 0.3 बाय, तो इसको किस तरीके से लगाना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, सिर्फ 3 लिख दीजिए, 9 कर दीजिए। अब कहोगे कैसे 9 कर दिया, जितने पर बार लगाओ उतनी बार नीचे 9 लिख दिया जाता है, ऊपर वाली पूरी संख्या लिख दी जाती है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3, 9 लग गया। लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी जब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो समझ में आने लगेगा। जैसे कह दिया जाए 0.13, इस पे बार लगा है, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि 13 लिखो और 2 × 9, 9 कर दो, 99। क्या करना है, जितने पे बार लगाए उतनी बार 9 लिख दीजिए। बताइए समझ में आया। अब जैसे सवाल लिखा हो 0.137, 0.137 ये सवाल लिखा है, अगर इसको हमें करना है, इस पे बार लगा है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है 137/9, 9, 9 लग गया सवाल। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखिए ये पूर्ण वाली जो है, ये तो पूर्ण वाली तो आराम से हो जाती हैं, और जो दिक्कत आती है वो सिर्फ मिश्रित में आती है। किस में दिक्कत आती है, मिश्रित में दिक्कत आती है। जैसे देखिए मिश्रित वाली समझिए, पहले 0.12, 2 पे बार है, किस पे बार है, 2 पे बार है, तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पूरी संख्या लिख लीजिए 12, ठीक है। अब हम देखते हैं बट्टे करिए, बार किस पे लगा है, 2 पे, 1 पे लगा है तो हमने 1, 9 कर दिया, जितने पे बार लगा होता उतने 9 कर दिए जाते हैं। और जो बार के नीचे नहीं है, मान लिया ये छत है, ये छत के नीचे नहीं है, तो उसके लिए 0 है ही नहीं, उसके लिए 0। अब ये है नहीं छत से, तो इसको घटा दीजिए, है नहीं तो इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11/90 लग गया सवाल। बताइए कोई दिक्कत, ये तो मिश्रित वाली हो गई। जैसे देखिए 0.1325, इस पे 2, 5 पे बार लगा है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या लिख लीजिए 1325, ठीक है, माइनस हमने क्या बताया, जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा दीजिए, जिस पे बार नहीं लगा है उसको हटा दीजिए, पूरी संख्या से हमने क्या किया 13 इससे हटा दिए। अपान में जितने पे बार लगा है उतनी बार 9 कर दीजिए, जितने पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0 कर दीजिए। बताइए कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 1325 से 13 चले जाएंगे तो 1312 बचेंगे, 1312 नीचे 99/00, ठीक है। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज अभी मैं इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को भी दिक्कत जाएगी पढ़ने में, तो इसके आगे के सवाल जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।